अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूँ सिद्रा इकबाल। आहिस्ता आहिस्ता हम ज़रा नीचे की तरफ आ रहे हैं। जी नाज़रीन, आज का शो बहुत ही स्पेशल शो होगा। एक तो कमिंग बैक टू कराची, इट्स ऑलवेज अमेजिंग, लेकिन आज सुबह ही मेरी टीम कह रही थी और अभी आपने ख़बरों में भी सुना होगा कि आप इस्लामाबाद से सर्दी को साथ ले आई हैं। इसकी बड़ी अहम वजह यह है कि दोबारा से हम देख रहे हैं कि सर्द हवाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है और जो जाती हुई सर्दी है कराची की वो वापस आने को है। लेकिन आपको बताते चले कि आज का हमारा जो प्रोग्राम होगा वो बहुत स्पेशल है, बिकॉज इस साल अगर बात की जाए तो पाकिस्तान और जापान के सफारती ताल्लुकात को, यानी द डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज़, उसका एक अहम संगे मील है। इन्होंने, दोनों ममालिक ने इस सफारती ताल्लुक की 70 साल जो तारीख़ है उसको मुकम्मल किया है, यानी 7 दिहाइयाँ गुजर चुकी हैं। आपको बताते चले कि यकीनन दोनों ममालिक का जो आपस में राबता है और जो यू नो फ्रेंडली इनका रिलेशनशिप है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन साथ ही साथ हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है कि इसका आगाज़ कैसे हुआ। आपको बताते चले कि पाकिस्तान के क़याम के बाद 3 ही रोज़ बाद, यानी सिर्फ पाकिस्तान की सॉवरन कंट्री बने हुए 3 रोज़ गुजरे थे कि जापान वाज़ वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज़ टू एक्सेप्ट पाकिस्तान स्टेटस, और फिर उसके बाद बाकायदा इस सफारती ताल्लुक की बुनियाद 1992 में रखी गई। आइए इसी हवाले से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद इस स्पेशल प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान और जापान के दरमियान सफारती ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल होने पर जश्न मनाया गया। इस मौके पर कौंसल खाना जापान और पाकिस्तान बिजनेस फोरम के तहत तकरीबात का इनेकाद किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तकबिल के ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान और जापान ने जापानी अमन मुआहदे की तौसीक के सिर्फ 10 दिन बाद 18 अप्रैल 1952 को बाकायदा सफारती मिशन कायम किया। इसलिए पाकिस्तान ने जापान के साथ 1948 से सफारती और तजारती रवाबित कायम किए। पाकिस्तान में इस वक्त 80 से ज़ायद जापानी कंपनियां काम कर रही हैं, जो 10,000 से ज़ायद घरानों को रोजगार फराहम कर रही हैं और सालाना 60 अरब रुपए टैक्स के जरिए सरकारी खजाने की मदद कर रही हैं। पाकिस्तान और जापान के दरमियान सकाफती और सफारती सतह पर कदीम और मुस्तहकम ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ अहम मौजूआत पर दस्तावेजी फिल्में तैयार की जाती हैं। इसी तरह जापान भी सकाफत, स्पोर्ट्स, तारीखी और सियाहती शोबों में दुनिया भर की तवज्जो का मरकज है। जी जनाब, वेलकम बैक। और आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक स्पेशल शो होगा, हमारे मेहमान होंगे, खुसूसी मेहमान होंगे द कौंसल जनरल ऑफ जापान इसमुरा तोशिकाज़ो साहब। और मुझे ये जानकर बड़ी हैरत भी हुई और बड़ी एक खुशगवार ये एक सरप्राइज़ था हमारे लिए कि वो बहुत ही फ्लुएंट, बड़ी रवानी से उर्दू बोलते हैं। तो आज इनसे गुफ्तगू करेंगे और यकीनन जिस तरह बात की जा रही है कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस के साथ साथ डिवेलपमेंट और ट्रेड के मामलात भी दोनों ममालिक के बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। 70 सालों में, 7 दिहाइयों में हमने क्या पाया है और आने वाले दिनों में क्या विजन है, किस तरफ को, किस सिम्त में इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और आज जिस तरह के हमने बात की जाएगी पाकिस्तान और जापान के सफारती ताल्लुकात की। जापान, जिसको पूरी दुनिया में द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, यानी जब सूरज की किरणें एक नए दिन का आगाज़ करती हैं, तो सबसे पहले ये किरणें कहा जाता है कि जापान की सरजमीन पर पड़ती हैं। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि एक रोशन ख्याली की मिसाल समझा जाता है, जब टेक्नोलॉजी की बात की जाए, हॉस्पिटैलिटी की बात की जाए, जब ये कहा जाए कि वाकई अकदार क्या हैं एक माशरे को साथ लेके चलने की। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊं कि जब मेरा जापान जाना हुआ तो इनकी जो बुलेट ट्रेन है, आप टोक्यो में देखें, दिस इज़ सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम्स अराउंड द वर्ल्ड। और अगर चंद सेकंड की भी आपका जो टाइम आपको पहले बताया गया कि जिस वक्त आपने पहुँचना है, उससे चंद सेकेंड की भी अगर तखीर होती है, तो मैंने बाकायदा फॉर्मल अपोलॉजी सुनी है कि जी हमें माफ़ कीजिएगा, 20 सेकेंड ये ट्रेन लेट हो चुकी है। सो देर इज़ अ लॉट दैट वी कैन लर्न, और ख़ास तौर पर एक नज़र डालनी ज़रूरी है
कि ये सफारती ताल्लुकात किस तरह बेस करते हैं, इसकी फाउंडेशन क्या है और आगे आने वाले दिनों में हम किस तरह पाते हैं कि दोनों ममालिक किन किन चीज़ों पे, किन इश्यूज़ पे साथ मिलकर चल सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज बहुत ही स्पेशल मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी, कौंसल जनरल ऑफ जापान टू पाकिस्तान इसुमुरा तोशिकाज़ो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो बहुत ही खूबसूरत और चुस्ता उर्दू बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। और ये जो सरप्राइज़ है, मेरे ख्याल में मैं इसको ज़्यादा बताना चाहती थी। मैं अभी हाल ही में आपकी एक तकरीब में मैंने शिरकत की, जो कि इन्हीं 70th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रही थी, और जब आपने ख़िताब किया उर्दू में तो बहुत सारे लोगों के दिल जीत लिए। शुक्रिया बहुत बहुत वक्त निकालने के लिए। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं कलीम फारूकी साहब, जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान जापान बिज़नेस फोरम के। इस फोरम को भी गुज़िश्ता दो दहाइयाँ हो चुकी हैं, और जिस तरह के हमने अपनी रिपोर्ट में भी आपको दिखाया कि बहुत सारी जापानी कंपनियां इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रही हैं, जिसमें आप यकीनन टेक्नोलॉजी फर्म्स को देख सकते हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स को देख सकते हैं। पीपल टू पीपल कॉरिडोर है, और यकीनन ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी एक बड़ा अहम इस समझा जाता है कि एक पिलर है, एक एलिमेंट है। बहुत शुक्रिया कलीम साहब आपकी भी मौजूदगी का। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम। मुझे ये बताइए ऑनरेबल काउंसिल जनरल, कि इस मौके पे कि जो 70 साल मुकम्मल हुए हैं, ये किस बात की अलामत है? आप क्या समझते हैं कि इन 70 सालों में दोनों ममालिक ने साथ मिलकर क्या पाया है? जी, यानी सबसे पहले कहना चाहता हूँ, यानी हमारे तारकात 70 साल नहीं है जी, और अब पुराने हैं। और पुराने क्योंकि देखें, पाकिस्तान की आज़ादी से पहले भी हमारे तारकात थे। हमारे तारकात यानी मतलब इस हिस्से से तारकात थे, हम इधर से कपास वगैरह ले जाते थे और उधर टेक्सटाइल बना के बाहर भेजते थे। और ये हमारे लिए उस वक्त जदिम बादरा का अहम जरिया था, और बेशक जदिम की वजह से ये तारकात हैं तातुर का शिकार रहा, मगर उसके फौरन बाद से हमारे तारकात शुरू हुए। इसलिए यानी 1952 उसी से सेवर्ती तारकात कायम हुए। दरअसल पहले थे मौजूद थे, और शिकार तारकात पहले से थे और अब भी मौजूद हैं। हम चाहते हैं यानी और ये खुशगार तारकात हैं और बढ़ें और मुस्तहकम हो जाएं, मजबूत हो जाएं। ज़बरदस्त। मुझे ये बताइए कि आपकी ये दूसरी तैनाती है पाकिस्तान में, और अगर मजमूई तौर पे देखा जाए तो लगभग आपने 20 साल गुजारे हैं पाकिस्तान में। यानी मतलब ये दूसरी तैनाती है कराची में। ओके, बिल्कुल। 4 दफ़ा इस्लामाबाद में और उसके अलावा उर्दू जबान सीखने के लिए दो साल लाहौर में। खुद मिला के 20 साल से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तीनों शहरों का एक तरह से वहाँ पे वक्त गुजारा है। सबसे ज्यादा पसंद आपको कौन सा शहर है पाकिस्तान का? देखें, यानी हर शहर का अपना अपना मिजाज होता है, मगर मैं लाहौर और कराची हैं ज्यादा पसंद करता हूँ, यानी इस्लामाबाद के मुकाबले में। वो तो ब्यूरोक्रेसी गैर मुमकिन का शहर है, वीरान शहर है। अब तो बहुत तब्दीली आई है कलीम साहब। आप बताइए कि आप इस वक्त शेयर कर रहे हैं पाकिस्तान जापान बिजनेस फोरम को, 20 साल से ये फोरम काम कर रहा है, लेकिन आपका अपना ताल्लुक जापान से किस वक्त शुरू हुआ? एज अ बिजनेस कम्युनिटी लीडर बहुत पहले से, यानी इस फोरम से पहले से भी आई एम श्योर के यू हैव बीन इन्वॉल्व विद द जापानीज मैन्युफैक्चरर्स एंड कंपनीज। मेरा पहला जो वाक़ था जापान जाने का, वो 40 साल पहले था। 40 साल से जापान के साथ हूँ। तालीम मेरी अमेरिका में हुई थी, अमेरिकन बिजनेसेस वगैरह को पहचानता था, जानता था। पर जब पहली दफ़े जापान गया तो एक बदली हुई दुनिया नज़र आई। चीज़ें छोटी थी, जगह कम थी, पर इनकी टेक्नोलॉजी, इनके जो तरीक़ाकार था वो बहुत ही मुख्तलिफ था, जब मगरब से कंपेयर करें तो। उस वक्त मैंने कुछ कंपनियों को सर्च किया और पाकिस्तान लेकर आया। अच्छा, उस वक्त हुआ ये था कि जापान पाकिस्तान को बड़ी गहरी नज़र से देख रहा था, और हमें काफ़ी लोन्स और ग्रांट्स जापान से मिलती थी, तो वो भी एक तरीके से पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हुआ। इन्होंने सोशल सेक्टर्स के अंदर भी बड़ा हमें सपोर्ट किया है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर येन लोन्स दिया हुआ, जिसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अगर आप देखेंगे, इंडस हाईवे है, कोहार टनल है, ये सब जापान के काविशों से पाकिस्तान में हुई, और मज़ीद अभी बहुत कुछ हो सकता है। दूसरी चीज़ जो मैंने देखी, इनके काम करने का तरीका जो बहुत मुख्तलिफ है। हमारी तरफ से कुछ कोताहियाँ हैं जिसे हमें पूरा करना है, इनकी तरफ से रिक्वायरमेंट बड़े स्ट्रिक्ट हैं। अगरचे हम ये मैच कर लें तो जापान हमारे लिए एक बहुत बड़ा मार्केट भी बन सकता है। अभी अगर हम देखें तो बरामदात जो हैं वो कम हैं,
برآمدات کم ہیں درآمدات زیادہ ہیں, صحیح. تو اس کو اس کی طرف ہم کو ذرا مد نظر رکھنی ہوگی. ٹیکنالوجی کے لیے انہوں نے پہلے آ کے, سب سے پہلے ایون بیفور یو نو وی ہیڈ دس ڈپلومیٹک ریلیشنز, پاکستان سے کافی کچھ کاروبار ہوتا تھا. جیسے اسے عمرہ صاحب نے بتایا, اسپنڈلز انہوں نے ہمیں دیا اور اسی وجہ سے ہم ٹیکسٹائل کے اندر کافی ہمارا وہ ہے. آج بھی ٹیکسٹائل کے اندر ہمارے یو نو ایکسپورٹس ہیں. اس اسی کے دہائی میں گاڑیاں بنانا شروع کی انہوں نے. تو اگر آج ہم دیکھیں تو 90% گاڑیاں پاکستان میں جو ہیں وہ جاپان سے آتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں توشی کازو صاحب کے, اگر آپ نے جو جیسے احاطہ کیا ان 70 سالہ تعلقات کا, اس کی بنیاد تو بہت مضبوط ہے, دونوں ممالک ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, چاہے وہ اقتصادیات ہوں, ڈیولپمنٹ ہو, سیاسی معاملات ہوں, ورلڈ فورم کے معاملات ہوں, لیکن اکثر لوگ پاکستان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی آئی ہے اور شاید ہماری بڑھتی ہوئی آبادی, ہمارے یہاں تعلیم کی کمی اور روزگار کی کمی, صحت پہ ہمارا فوکس نہ ہونا ہمارے معاشرے میں تنزلی کا باعث بنا ہے. آپ جب ایز اے فورنر, ایز اے جاپنیز پرسن پاکستان کو دیکھتے ہیں, کیا تبدیلی محسوس کرتے ہیں اور کیا واقعی پاکستان نیڈس ٹو ڈو اے لاٹ مور آن دا ورلڈ اسٹیج؟ یعنی میں سب سے پہلے میں آیا تھا پاکستان میں, جی 86 میں آیا تھا, جی. تو اس کے بعد میں دیکھتا رہا ہوں, یعنی اب تک دیکھتا رہا ہوں, تو بہت سی تبدیلیاں آئیں. اسی میں سے کچھ تبدیلیاں ہیں باہر سے آئیں, صحیح. مثلاً دیکھیں یہ چندر بھی, یعنی اتنی تیزی سے چندر یعنی ترقی ہوئی ہے. دیکھیں جب میں آیا تھا اس وقت صرف پی ٹی وی تھا, یہ بھی صبح 11 بجے سے رات کو 9-10 بجے بھی تھا, تو صبح کا چندر بھی نہیں, یعنی نشریات بھی نہیں تھی. اب تو دیکھیں کتنی چندر ہیں, کتنی ترقی ہوئی پاکستان میں. بہت سی ترقیاں تو ہوئی ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ آبادی بھی بڑھی ہیں, اس لیے اس وقت مسائل تو چھوٹے تھے. اب تو ہے نا, یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ترقی بھی ہوئی ہے اور مسائل بھی بڑھ گئے ہیں. اس کے لیے کچھ اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. صحیح, بالکل صحیح. آپ مجھے بتائیں کہ ویسے کہا جاتا ہے کہ پاکستانیوں کو سیر و تفریح کا, گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہے, تو کیا وجہ ہے کہ ہم ویسے تو یعنی زیادہ تر لوگ دیکھیں یورپ کا رخ کرتے ہیں, مڈل ایسٹ کا رخ کرتے ہیں, جاپان زیادہ لوگ نہیں جاتے, اور کیا آپ اس کو بڑھاوا دینا چاہیں گے کہ پاکستان سے ٹورسٹ اور وزٹرز جاپان زیادہ جائیں؟ نہیں, دیکھیں ہم تو یہ ہمیشہ خوش آمدید کہتے ہیں, آپ تشریف لائیں اور یہ ہمارا ملک بھی دیکھیں, صحیح. اور دیکھیں ہمیشہ یہ یورپ اور امریکہ کی طرف نہ دیکھیں, یعنی ایسٹ کی طرف, مشرق کی طرف بھی دیکھیں تو اچھا ہوگا. بالکل صحیح. کلیم صاحب, آپ کیا کہیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستانی, یعنی بہت کم میں نے لوگوں کو سنا ہے کہ جی یا تو وزٹ کیا ہو یا جانے کی خواہش رکھتے ہیں, یا جانا بھی چاہتے ہیں تو پلان بنتے رہ جاتا ہے, اس کی کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں؟ یہ لوگ جانا شروع کیے ہیں, لوگ ایسٹ والی چیز جو اب شروع ہو رہی ہے, دوسرے سنگاپور ہے, ملیشیا ہے, یہاں پہ جا رہے ہیں. جاپان تھوڑا سا مہنگا ہے, تو لوگ جو تفریح کے لیے جاتے ہیں پہلے سوچتے ہیں, اپنی بجٹنگ کرتے ہیں, پر کافی لوگ جانے لگے ہیں وہاں پہ. پچھلے 2-3 سال سے ذرا معاملات تھوڑے مختلف ہیں کورونا کی وجہ سے. ایک چیز ضرور ہے کہ جب سے اسمورا صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ تو بڑے فراغ دلی سے ویزے دیتے ہیں, یہ جانتے ہیں لوگوں کو یہاں پہ. ان کے بارے میں ایک چیز بتا دوں میں کہ شاید یہ کچھ لوگ ان کو, یعنی کراچی میں لوگ ان کو زیادہ جانتے ہیں بہ نسبت میں جن کو جانتا ہوں, اتنے پاپولر ہیں. ہماری ابھی سرکولر ریلوے شروع ہوئی, یہ واحد شخص تھے ڈپلومیٹک کمیونٹی سے جو صبح صبح پہنچ گئے اور گرین بس پہ ٹریول کیا ہے, یہ وائرل بھی ہوئی ہے. یہ تو یہ بتاتا ہے کہ ایک انسان, کیونکہ سفارتی تعلقات میں یہ بہت بڑی چیز ہے کہ گیٹنگ ٹو نو دا پیپل, انٹریکٹنگ ود دا پیپل. تو جا رہے ہیں لوگ, بہت سے لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ. اور پھر یہاں پہ ایک اور ادارہ ہے, ایک تو ہمارا بزنس فورم ہے, دوسرا کہتے ہیں پی جے سی اے کہتے ہیں اسے, کلچرل ایسوسیشن, اس میں بھی بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, مشاعرے ہوتے ہیں. تو ہے پاکستان کا جو ہے جاپان کو ایکسپوز کرنے والی بات تھی جو اس نے صاحب نے کافی حد تک کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جائیں گے. صاحب زبان کے حوالے سے آپ نے بات کی, جیسے آپ بڑی خوبصورت اردو بولتے ہیں, ہمارے والوں کا کیا حال ہے, یعنی پاکستان میں آپ کو کتنے جاپنیز اسپیکرز یا زبان کو سمجھنے والے لوگ نظر آتے ہیں؟ ان کے جو ڈپٹی ہیں جی اشیدہ صاحب, وہ بھی اردو بولتے ہیں. اچھا. اور نہ صرف اردو بولتے ہیں بلکہ وہ تبلا بھی بجاتے ہیں, ڈرم بجاتے ہیں, کھانا پکاتے ہیں. تو کلچرل سائٹ پہ جاپان, اور جاپان کا کلچر اگر آپ دیکھیں, آپ جا چکی ہیں وہاں پہ, کہ ہم سے ملتا جلتا بھی ہے. جب میں شروع میں گیا تھا تو چٹائی, تتامی کہتے ہیں, چٹائی میں کھانا دیا کرتے تھے بیٹھ کے, تو یو نو بہت کچھ. اور پھر وہاں پہ عورتوں کی جو عزت ہے وہاں پہ, جس طرح لوگ ملتے ہیں, تو ثقافتی
दूसरी चीज़ों में भी हमारे बहुत मिलते जुलते रुझान हैं। और आपने जैसे कल्चरल एसोसिएशन का यहाँ पे जिक्र किया, बहुत सालों से हम देखते आए हैं कि ख़वातीन खुसूसन और जो हमारी आर्टिजन्स हैं वो इकेबाना में बहुत इंटरेस्ट लेती हैं, तो यकीनन ये पीपल टू पीपल कॉरिडोर, और हमने भी एक प्रोग्राम किया था जी जिसमें हम अपनी जब 3 साल जो एनिवर्सरी थी सेलिब्रेट कर रहे थे उसमें पीसी के साथ हमने पार्टनर किया, और जहाँ मुख्तलिफ क्यूजींस का जिक्र हुआ ये बात भी की गई कि जापानी क्यूजीन या सुशी एंड साशिमी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है पाकिस्तान में। आप इसको कैसे देखते हैं सुमर साहब के? अक्सर मेरा ये सवाल आता है कि क्या ये ऑथेंटिक है जो हम खा रहे हैं वही सुशी होती है, या हमारे मिजाज हमारे जबान के जायके के मुताबिक उसको थोड़ा तब्दील किया गया है यहाँ पे? तो एक तो ये है याद करूँ, यानी पाकिस्तान में जापानी खाना मकबूल हो गया है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। सही। और मैं समझता हूँ जापानी खाना है यानी सेहत के लिए यानी बहुत अच्छा खाना है, यानी उसमें चर्बी बहुत कम है। इसकी वजह से यानी आप लोगों के लिए पहले तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि आप लोग है ना ज़्यादा उम्र, अगर आप देखें कि जापान में जो उम्र पाते हैं लोग, मेरा ख्याल बहुत बड़ा असर होता है। मुझे बताएं कि जहां हम बात कर रहे हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की, जिसमें यकीनन जापान ने बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स की हैं, लेकिन जो इनकी ट्रेडिशनल विजडम है, जो इनकी जैसे कहा जाता है कि जापानीज मेडिसिन हैं, इनका तरीक़ेकार है, एनर्जी वर्क्स हैं, ये आपको समझ लगता है कि पाकिस्तान में मकबूल हो सकता है? पाकिस्तान में इसके लिए एक बड़ी मार्केट मौजूद है कलीम साहब? बिल्कुल है, और बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो पाकिस्तान को देख रही हैं। आईटी एक सेक्टर है जहाँ पे पाकिस्तान और जापान का ख़ासतौर पे एक तावन होने का आगे जा रहा है। जापान में इस वक्त 8 लाख आईटी टेक्नोलॉजिस्ट चाहिए वहाँ पे। वाओ। और वो पाकिस्तान पे नज़र रखें कि यहाँ से हो जाए। जापान में एक इदारा है जाइका, उन्होंने एक एक्सपर्ट यहाँ पे भेजा है जो 2 साल रहेंगे, इस्लामाबाद में ऑलरेडी मौजूद हैं। एक सेमिनार भी हमने यहाँ किया था नस्ट के तावन से, और उसमें वी आर कनेक्टिंग दी लोकल आईटी कंपनीज। टेक्नोलॉजी में जापान के साथ जो तावन है हमारा पुराना है, और मैं समझता हूँ आगे चल के भी बहुत सारे शोबों में जापान के साथ होगा। अभी एक तेल की कंपनी है वो यहाँ पर आ गई है और वो यहाँ मैन्युफैक्चर कर रही है, वो भी एग्जीबिशन में भी थी जब आप तशरीफ लाई थी वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि आगे जॉइंट वेंचर्स यहाँ पर बहुत से आ सकते हैं, और इसकी तरफ तवज्जो भी हमारी हुकूमत के भी काफ़ी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये बड़ी ज़बरदस्त यू नो इन्फॉर्मेशन है जो आपको हमारे तवज्जो से मिल रही है। अगर आप एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, आईटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, द वर्ल्ड इज़ डेफिनेटली योर होराइजन, बट देयर आर मेनी मेनी पॉसिबिलिटीज़ इन जापान। इसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह बिजनेसेस एंड पीपल टू पीपल कॉरिडोर को मज़ीद हम मुस्तहकम कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। जी जनाब, हम बात कर रहे हैं, आज का हमारा स्पेशल शो है पाकिस्तान जापान के सफारती ताल्लुकात के हवाले से, और यकीनन ये सिर्फ और सिर्फ बिज़नेस और ट्रेड तक मुहित नहीं है या फिर वर्ल्ड स्टेज पे कुछ अहम मामलात तक इसका अहाता नहीं है, बल्कि जो ख़ास ताल्लुक है दोस्ती का ताल्लुक। बल्कि आपको बताती चलूँ, द एम्बेसडर ऑफ जापान ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान यकीनन जापान का देरीना दोस्त है। और इसकी अगर हम तारीख की तरफ देखते हैं तो हमें नज़र ही आता है कि 1953 में द देन बैंक ऑफ टोक्यो की जो तीसरी ओवरसीज ब्रांच थी वो कराची में खोली गई थी। आप क्या समझते हैं तोशिकाज़ो साहब के, इफ़ यू लुक एट द वे द रिलेशनशिप हैज़ इवॉल्व्ड, आने वाली दिहाइयों में आप क्या देखते हैं? क्योंकि जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जिक्र करते हैं उसके लिए जो एंड डेट मुकर्रर की गई है वो 2030 है, 2030 तक कौन से मामलात पे दोनों ममालिक साथ मिलकर काम कर सकते हैं? जी देखें, यह आजकल पाकिस्तान में जापानी कंपनियां हैं 80 कंपनियां काम कर रही हैं, और बस इस 2 साल हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा कोरोना की वजह से रुक गई हैं, मगर यानी ये हालात बेहतर हो जाएं तो और बहुत सी कंपनियां पाकिस्तान में आ जाएंगी। ये वजह ये है, आपकी आबादी बहुत बड़ी है, 22 करोड़ आबादी है, अफगानिस्तान से तो 25 करोड़ आबादी है। ये सोचा जाए तो आसियान का शुमारी हिस्सा होता है वियतनाम, कम्बोजिया, लाओस और थाईलैंड, म्यांमार, उससे भी भारी है। तो मतलब ये देखें, इतनी बड़ी मार्केट
ये नज़रअंदाज नहीं कर सकती और हमारे ये कंपनियाँ भी आपके ऊपर तवज्जो देती हैं। बिल्कुल सही। और जिस तरह हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं कलीम साहब, बहुत सारे ममालिक अब पाकिस्तान को मेक इन पाकिस्तान का जो एक विज़न है उसके तहत यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाना चाहते हैं, यहाँ पे अपनी चीज़ों को बनाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। कैन पाकिस्तान टेक मोर एडवांटेज ऑफ दैट इन रिलेशन टू जापान एंड द जापानीज कंपनीज? इस वक्त देखिए, एक जो खुशाइंद बात है वो ये है जी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये पिछले चंद सालों पे इस चीज़ पे बड़ा जोर दिया गया है। देखेंगे आप सीपैक के अंदर भी प्राइवेट सेक्टर से किसी को लेकर आए हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में भी प्राइवेट सेक्टर से हैं, बड़ा एक्टिव हो गए हैं। जैपनीज कंपनी बहुत सारी हैं जो पाकिस्तान को देख रही हैं, उनको इंट्रोड्यूस करना है, हमें जाना है वहाँ पर, उनको बताना है। जापान फॉरम एक काम करता है जो कोई और फॉरम मेरे ख्याल से नहीं करता है, वो ये है कि हम हर साल यहाँ से SME डेलीगेशन लेके जाते हैं। सही। मैंने 4-5 डेलीगेशन मैंने लीड किया है और उसमें देखा यह है कि यकीनन कम से कम 2 या 3 कंपनीज दे एंड अप साइनिंग समथिंग और दी अदर, जॉइंट वेंचर प्रोडक्शन का उन्होंने किया है, एजेंट बन जाते हैं, यू नो। तो ये चीज़ हमें जाके वहाँ पर करना है। पाकिस्तान एम्बेसी वहाँ पर भी बहुत एक्टिव है, हमारे ट्रेड कमिश्नर साहब हैं वहाँ पे, वो बहुत कुछ एक्टिव हैं, एम्बेसडर साहब हैं जो खुद जापानी बहुत अच्छी बोलते हैं। सही। उनकी भी 4th वहाँ पे पोस्टिंग है, काफ़ी अरसे से वहाँ पे रहे हैं जापानी बहुत, इससे पहले असद मजीद साहब थे वो भी जापानी बोलते हैं। तो ये चीज़ें इट मैटर्स अ लॉट। प्रॉब्लम सिर्फ ये था कि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थे पिछले चंद दिहाइयों में, हमारे लॉ एंड ऑर्डर ने हमें बड़ा इनसे दूर रखा, अब आना शुरू हुए हैं तो कोरोना आ गया। तो मैं समझता हूँ कि इस साल इंशाल्लाह हालात अगर अच्छे हुए, 70 साल के सिलसिले में बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं। हमारा एक और इवेंट होता है जॉइंट डायलॉग, जिसके अंदर बिजनेस टू बिजनेस नेगोशिएशंस होते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नेगोशिएशंस होते हैं, और PJBF भी एक काफ़ी यू नो रोल प्ले करता है इसके अंदर। और इस साल मई में ये टेंटेटिवली प्लान है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ थिंग्स गो, हाई पावर डेलीगेशन दैट विल कम टू पाकिस्तान। बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पे जिक्र हो रहा था अगर आप टूरिस्ट के तौर पे जाना चाहते हैं, एज अ बिजनेस पर्सन जाना चाहते हैं, लेकिन एक और चीज़ कि बिकॉज ऑफ द वे, जैसे आपने कई दफ़ा इशारा दिया सर कि जिस तरह हमारी आबादी का तनासब है, देर आर लॉर ऑफ यंग एनर्जेटिक पीपल इन पाकिस्तान, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है जापान में, वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, किस किस्म की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, अगर लोग पढ़ाई के सिलसिले में या काम के सिलसिले में जाना चाहें, क्या जापान उनके लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बन सकती है? तो होना तो चाहिए। हाँ। और बात ये है, यानी जापान की आबादी है यानी कम होती जा रही है जी, इसकी वजह से हम चाहते हैं बाहर से लोग आए, यानी हुनरमंद लोग आ जाएँ और जापान में काम करें, हम चाहते हैं। और ख़ास तौर पे IT के शोबे में हम चाहते हैं पाकिस्तान से यानी IT इंजीनियर वगैरह आ जाएं, आने की ज़रूरत, यानी IT के सिस्टम में आने की ज़रूरत भी नहीं, यानी मतलब इधर से भी काम कर सकते हैं। तो मतलब आएं और ये जापान समझें, उसके बाद वापस आ जाएं, इधर से काम करें, ये भी हो सकता है। आप मुझे बताएं कि लैंग्वेज कितना बड़ा बैरियर है आपके ख्याल में? देखिए, लैंग्वेज तो बड़ी बैरियर तो है, बैरियर तो है, मगर देखें यानी रोज़मर्रा का गुफ्तगू है। हाँ। वहाँ तक सीखना इतना मुश्किल काम भी नहीं। जापानी ज़बान बेशक मुश्किल है, यानी लिखने के लिए पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल है, मारू यानी सिर्फ बोलने के लिए तो इतना मुश्किल काम नहीं है। इसलिए यानी मतलब रोज़ाना बोल चाल की हद तक सीखें, उसके बाद IT के मामले में लैंग्वेज अलग है। हाँ। वो लैंग्वेज होती है उसी में ये बनुरकमी तौर पे एक ही जमा होती और है। और यहाँ पे बैठे हुए कोई पाकिस्तान में बैठे हुए शख्स अगर जापानी सीखना चाहे तो क्या आपके कौंसल खाने की तरफ से कोई ऐसी सहूलत है कि हम इस जबान को एटलीस्ट द फाउंडेशन जो यानी प्राइमरी लेवल की हम सीख सकें? जी, हमारे जो कल्चर सेंटर में जापानी लैंग्वेज कोर्स है, और उसके अलावा यानी कराची में एक और जगह है जापान हाउस नाम है, ये भी यानी जापानी जबान पढ़ाते हैं। सही। और उसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी, इंदस यूनिवर्सिटी में भी कोर्स हैं, और हम शुरू करते हैं सिंधु यूनिवर्सिटी जमशेरू में, यानी अगले इस महीने के 9 तारीख से यानी लैंग्वेज कोर्स शुरू करने वाले हैं। और उसके अलावा एक और हैदराबाद में जापानी लैंग्वेज कोर्स लैंग्वेज अकादमी खुल गई है, उसी इलाके में उसी जगहों पर आप सीख सकते हैं। और बहुत सारी और चीज़ें हैं, जैसे जापान में अगर आप देखें फुटबॉल बहुत मशहूर है, अब पाकिस्तान में भी बहुत सारे नौजवानों के लिए दिस हैज़ बिकम अ स्पोर्ट ऑफ पैशन, तो यकीनन बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है जिसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन कलीम साहब, कमिंग बैक टू द 70th एनिवर्सरी, मुझे ये बताइए कि क्या कुछ
पाइपलाइन में है। किस तरह आप कह रहे हैं कि जैसे एक नहीं कई तकरीबात होंगी, कई सेलिब्रेशंस का ये मौका है और इंशाल्लाह ताला मज़ीद इन ताल्लुकात को मुस्तहकम किया जाएगा, तो व्हाट ऑल कैन वी एक्सपेक्ट इन द डेज टू कम? जॉइंट डायलॉग की मैंने बात किया है, इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए हैं पिछले दो साल में। आखिरी जो हमारी विज़िट थी, एक साल हम जाते हैं वहाँ पे, दूसरे साल वो आते हैं, तो आखिरी विज़िट हमारी 2018 में हुई थी और रज़ाक दाऊद साहब ने लीड किया था। बहुत सारे चीज़ें उसमें हमने तय की थी जो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इस साल मई में जो हम चाह रहे हैं कि हो जाए, उसके अंदर जो चीज़ें होनी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जापान हमें किस तरह हेल्प कर सकता है, कैपेसिटी बिल्डिंग की मैंने बात किया, ये जो MOC साइन किया है इसके अंदर स्किल्ड वर्कर्स जापान को चाहिए। सही। जैसे इस उम्र साहब ने बताया कि वहाँ पे मैन पावर की कमी है, आबादी कम होती जा रही है, तो दे आर इनवाइटिंग पीपल विद स्किल्ड वर्कर्स। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट स्किल्ड वर्कर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट वेटर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट कुक्स, वी आर टॉकिंग अबाउट कार मैकेनिक्स। 3 लाख की ज़रूरत है जापान में। पाकिस्तान कैन बी अ गुड प्रोवाइडर इन दिस एरिया, इस पर भी काम हो रहा है। IT के ऊपर जिक्र किया उन्होंने कि 8 लाख IT एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है जापान के अंदर। पाकिस्तान इसके अंदर बहुत कुछ हेल्प कर सकता है। IT वो सेक्टर है जिसको 40% ग्रोथ है हर साल, इसके अंदर भी हम कर सकते हैं। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर, जैसे मैंने कहा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, जिसके अंदर देर आर लॉट ऑफ कॉन्ग्लोमरेट्स इन जापान हु आर प्रिपेयर्ड टू कम इन टू पाकिस्तान विद द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था PPP का, गवर्नमेंट ने इसके अंदर काफ़ी फंड्स एलोकेट किए, अभी अथॉरिटी बनी है, इसको लेजिस्लेट किया गया है, हाईवेज बन सकती हैं इसके अंदर, बहुत सारी डैम्स बन सकते हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ें अब हो सकती हैं। और खुसूसन अगर शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, जैसे आपने ख़ुद कहा कि आपको लाहौर और कराची बहुत पसंद है, आजकल तो बड़ी डिबेट होती है कि शहरों के अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बड़ी वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा है। एक ज़माने में बात की जा रही थी सर्कुलर रेलवे के हवाले से भी कि जायका उसमें मुआवनत करने के लिए तैयार है, उसमें कोई पेशरफ्त है या आने वाले दिनों में हम देखें, क्योंकि इस वक्त कराची का सबसे बड़ा मसला हमें ट्रैफिक और लॉजिस्टिक्स ही लगते हैं। इस पर मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप कॉमेंट करें। मुश्किल सवाल का आपने किया, यानी बचा के रखा था मुश्किल सवाल हमने। दरअसल यानी सर्कुलर रेलवे हैं, हमने वादा किया था टाउन करने के लिए वादा किया था, यानी 2006 या 2007 में जी बिल्कुल। मगर उस वक्त तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, यानी सर्कुलर रेलवे के जो जगह है जमीनों के ऊपर गैर कानूनी तौर पर रहने वाले थे जी। तो उसके लिए भी हमने तजवीज़ पेश की, यानी किस तरह उन लोगों को मुंतकिल करना है, तरीके से मुंतकिल करना है, जुर्म करना मत, यानी तरीके से मुंतकिल करना है। और मगर ये उस वक्त की सिंध हुकूमत ने काम नहीं किया, यानी मैं तंकीद नहीं कर रहा, बस ये दरअसल नहीं किया। तो वक्त गुजरता रहा और 3-4 साल पहले यानी मौजूदा वजीर आला साहब हैं मुराद अली शाह साहब ने अचानक ऐलान किया ये CPEC का हिस्सा होगा। अब तो हमारे हाथ से निकल गया। बिल्कुल सही। तो आपने कहा कलीम साहब, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि जापान के और पाकिस्तान के जो ताल्लुक हैं बड़े दरीना हैं। बिल्कुल, हमने ऊंच नीच देखी है, कुछ हालात इधर हुए कुछ हालात उधर हुए। जापान पाकिस्तान के देने यानी तरक्की में शामिल रहा है और मजीद रहेगा जी। मैं समझता हूँ कि अगर हमारी तरफ से यानी सही मानों में प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई हो जाएँ, जापान वॉज द लार्जेस्ट डोनर टू पाकिस्तान इन द 60s एंड इट कैन अगेन बी, इसलिए कि यहाँ पे मैन पावर है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं आपके पास, पाकिस्तान उनके यहाँ की जो कंपनीज हैं जिनको महंगा पड़ रहा है वहाँ बनाना, वो यहाँ आने को तैयार हैं। और जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि लुक ईस्ट, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली इट वाज शौकत अजीज़ द देन प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का एक बड़ा मसला जब ट्रेड और बिजनेस की बात की जाए कि हमारा जो बकेट फुल है, जहाँ हम अपने एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, जिनसे हमारे डीपर ट्रेड रिलेशन हैं, वो उस जमाने में कहा जाता था सिर्फ 11 मालिक हैं, तो हमें इसमें भी डाइवर्सिटी लाने की ज़रूरत है। जहाँ देरीने ताल्लुकात हैं मिसाल के तौर पर जापान के साथ, उनको मज़ीद फरोग देने की ज़रूरत है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जी आज पाकिस्तान, हमारी खसूसी गुफ्तगु जारी और सारी है। ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 70 साल जो सफारती ताल्लुकात को हो गए हैं पाकिस्तान और जापान के बीच में। दो ऐसे ममालिक जो देरीना दोस्त करार पाते हैं और यकीनन एक दूसरे का साथ देते हैं बहुत सारे इशूज़ पर, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि दिस इज़ जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। दे आर सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ दैट द टू कंट्रीज़ कैन एक्सप्लोर टुगेदर। और इसी के हवाले से है हमारा आज का प्रोग्राम, जिसमें हमारे साथ शामिल एक गुफ्तगु हैं जनाब तोशिकाज़ो साहब, कौंसल जनरल ऑफ जापान टू पाकिस्तान, कराची में मुकीम है आजकल, लेकिन मजमूई तौर पे तकरीबन 20 साल गुजार चुके हैं हमारे मुल्क में और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तीनों शहरों से बखूबी वाकिफ़ हैं। इसके अलावा जी कलीम फारूकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन पाकिस्तान जापान बिजनेस फोरम। और अब आखिर में, क्योंकि बिल्कुल यू नो लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ आर कॉन्वर्जेशन, तो आपसे पूछना चाहूँगी कि हम जापानी खाने की तो हमने बात की, इतना अरसा आपने पाकिस्तान में गुजारा, पाकिस्तान का खाना पसंद है आपको? जी पाकिस्तानी खाना भी बहुत अच्छा है। हाँ जी, और आपका फेवरेट क्या है पाकिस्तानी खाना? पसंदीदा खाना रेस्तरा में नहीं मिलता। और खरेरा होता है, खरेरा सही, उसको खाद कर देते हैं। हाँ। उसे अंदर से बीज निकाल देते हैं, उसमें खीमा डाल देते हैं, उसको बांध करके ना और फ्राई कर देते हैं। क्या बात है, ये मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप कहेंगे कीमा भरे करेले मेरे फेवरेट। कलीम साहब, आपने खिला खिला के इनको फेवरेट बनाया है इस खाने को इनके लिए? मैं तो इनके खानों में, इनके पास जाता हूं तो इनके खाने मिलते हैं। पर ये सिर्फ इनका नहीं, जापानी जो है पाकिस्तानी खानों को बड़ा पसंद करते हैं, ख़ासतौर से बिरयानी। एक अजीब सी बात है कि जापान के अंदर हमारे यहाँ की बासमती राइस ओपनली इम्पोर्ट नहीं हो पाती थी, तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था जिन्होंने स्पेशल अरेंजमेंट किए थे, जब लोग वहाँ के बड़े आए तो अम्बेसी से हम ला के पका के, यानी बेचते नहीं थे, बस बिरयानी का खास मजा होता है बासमती में, वो नहीं होता। पर अब वो चीज़ भी हो रही है जापान के अंदर। और इसी तरह मैंने देखा है यहाँ पे जैस्मिन राइस बड़े पॉपुलर हो गए, पीपल लव इट। बिल्कुल कलीम साहब, तो मुझे बताएं कि जब हम बात करते हैं एक्सचेंज की और अभी का जिक्र किया, तो हमारे तसव्वुर में तो हमेशा आता है कि हमारे खाने बहुत स्पाइसी हैं, तो हमारे स्पाइसी खाने भी आपको पसंद है? जी ज़्यादा स्पाइसी हो तो मुश्किल हो जाता है। मगर देखें आपका ये खाना है, यानी हर इलाके में अपना अपना खाना होता है। मतलब देखें आपके जो पश्तून या लोग हैं वो तो स्पाइसी खाना खाते ही नहीं, मगर चर्बी बहुत खाते हैं। ये मसाला है, हाई फैट होता है। जी जी जी, मगर देखें पंजाब में भी इतना ये स्पाइसी नहीं होती जितना ये देखें या तो जनूबी हिंदुस्तान में होता है, श्रीलंका में होता है। श्रीलंका खाना तो बहुत स्पाइसी होता है, ये तो हमारे लिए कुछ मुश्किल लग रहा है। सही, लेकिन मुझे बताएं, जैसे अभी आपने अपने डेप्यूटी का जिक्र किया और दूसरे जो हमारे कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं उसको भी मैं थोड़ा सा टच करना चाहूँगी, मौसीकी के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पे लोगों को आपने कितना, यानी मौसीकी के दिलदादा तो बहुत मौजूद हैं, क्या वहाँ पे कोई कनेक्ट हो सकता है इंस्ट्रूमेंट्स वाइज? जापान की मौसीकी के बारे में बताइए, क्या कोई कल्चरल ट्रूपेज एक्सचेंज प्रोग्राम्स उसके होते हैं जिसके लिए यहाँ पे आपके म्यूजिशियंस विजिट करते हों, आर्टिजंस विजिट करते हों? दरअसल ये हर साल, यानी हमारे म्यूजिशियंस हैं यानी इधर आया करते थे और अपना फन दिखा देते थे। मगर जैसा कि आप जानते हैं, यानी मतलब कोरोना की वजह से आना जाना बंद हो गए हैं। मैंने पिछले साल जापान फेस्ट यानी हमने एक मुनाकिद किया है, उसी में ऑनलाइन पे म्यूजिशियन पेश किया है, गाना पेश किया है। और उस वक्त भी आप लोगों के टाउन से, यानी आपके जो म्यूजिशियंस हैं, मुसीकार हैं, उन लोगों के टाउन से कोलैबोरेट करके पेश किया है। बहुत खूबसूरत बात, ज़बरदस्त। अभी हम समझते हैं कि थोड़ा ये दो तीन साल का अरसा कोविड की वजह से हम अफेक्ट हुए, लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि जो मुश्किल का वक्त था सही तौर पर पाकिस्तान के लिए, वो एक दिहाई थी जिसमें दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत सारे थे, उस वक्त में पाकिस्तान और जापान के ताल्लुकात कैसे रहे, अगर उस पर आप कमेंट करना चाहें? 2001 में जब ये 9/11 हुआ, तो उसके बाद पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था टू गेट यू नो फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। अगेन दैट वाज अ पॉइंट वेयर जापान के साथ हमारे ताल्लुकात फिर मजीद चौड़ान चले। सही। और इन्होंने उस ज़माने में, मुझे अच्छे से याद है, जब मुशर्रफ साहब वहाँ पर गए थे तो फिस्कल सपोर्ट में पैसे दिए थे पाकिस्तान को, जो कभी होता नहीं है। उस वक्त से चीज़ें चलती रही हैं और मैं समझता हूं कि मज़ीद ये चीज़ हो सकती है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि 10 साल जब सफारती ताल्लुकात हुए, उसके 10 साल में यहाँ पे 50 कंपनियाँ थीं, यहाँ पे तजारतें थे, हम यहाँ से एक्सपोर्ट्स कर रहे थे, रॉ मटेरियल उस ज़माने में हमारा ज़्यादा जाता था और उसके बदले में हमें इनके टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट आती थी। गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई है, वो चीज़ अब मज़ीद हो सकती है।
यहाँ पे पहला ऑफिस जेट्रो का पाकिस्तान में खुला, दूसरा या तीसरा ऑफिस बैंक का यहाँ पे खुला। तो पाकिस्तान एक डेस्टिनी थी फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। मैं समझता हूँ कि अब आइंदा दिनों में ये चीज़ फिर होने वाली है। बिल्कुल सही। एंड व्हाट आई सी इज ग्रेट होप। और यहाँ पे आप दोनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। और खास जब हम बात करते हैं कि इस वक्त 70 साल मुकम्मल हुए हैं, 30 साल में इंशाल्लाह ताला यानी इन अनदर जनरेशन जब इंशाल्लाह पाकिस्तान और जापान अपने ताल्लुक के 100 साल यानी एक सदी मुकम्मल कर रहे होंगे, दिस इज़ आर टेक ऑफ पीरियड। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इस वक्त जब कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी आपका फिफ्थ एलिमेंट ऑफ प्रोडक्शन है, दैट बीइंग द सेंटर स्टेज अ लॉट कैन बी डन। यानी जो महारत है, जो पेशावराना महारत, जो टेक्नोलॉजी की महारत जापान के पास मौजूद है, एंड कंबाइन दैट विद द यंग एनर्जी ऑफ द पाकिस्तानी पीपल, दैट कैन डू वंडर्स। बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का। और इंशाल्लाह ताला और भी ऐसे मौके होंगे, तकरीबात होंगी और माइलस्टोन्स होंगे जिसको हम सेलिब्रेट करेंगे। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक।